जैसे कुत्तों का स्वभाव होता है ना, उसी तरह उसका स्वभाव है, कितना ही दुर्दराएंगे वो कुत्ता अपने आदत से बाज नहीं आएगा। समाज को ब्लैकमेल करता है, वोटों को बेचता है, लेकिन धन्य हो बीजेपी के लोग कि ऐसे बेवकूफ और अशिक्षित व्यक्ति को मंत्री पद से लेकर, एक मतलब फरोश्त आदमी है, वो अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी को कुछ भी अनाप शनाप बोलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजानुजा और आप देख रहे हैं रात 24 न्यूज। दोस्तों आज हम जनपद गाजीपुर में हैं और आप देखे होंगे कल मऊ में जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में अब हो चुके हैं कैबिनेट मंत्री। भैया ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जो कभी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा करते थे कि चल सन्यासी मठ पर घंटी बजाने के लिए। ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जो कहा करते हैं कि मैं योगी आदित्यनाथ को ऐसे जगह पर भेजूंगा जहां पर भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाएगी। तमाम विवादों से इनका रिश्ता रहा है, सपा में रहे तो इस तरह से बोल रहे थे, अभी भाजपा में आ गए हैं और भाजपा में जब आए हैं तो कल क्या उन्होंने बोला है कि जिस प्रकार से कि सफेद का गमछा हटा के पियर का गमछा ले ला और थाने में चले जाओ, और जाओगे थाने में भैया तो न दरोगा जी कुछ बोलेंगे न कोतवाल साहब, यहाँ तक कि एसपी एसएसपी तमाम लोग सहित डीएम की भी औकात नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर को फोन करते। और इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि डीजी की भी औकात नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर को फोन कर दे। तमाम तरह से अभी फिल्म सुर्खियों में आ गए हैं और अपने को क्या कह रहे हैं, गब्बर सिंह। तो आज हम हैं जनपद गाजीपुर में और हमारे साथ यहां पर देखिए मानव संघर्ष पार्टी के मुखिया हैं रामश्रेय राजभर जी। और रामश्रेय राजभर जी कभी ओम प्रकाश राजभर के काफी करीब हुआ करते थे और संभवतः जहां तक कहा जाए कि इन्होंने ओम प्रकाश राजभर को आगे लाया, लेकिन आज किस प्रकार से हाशिए पर हैं और ओम प्रकाश राजभर के वो काली करतूत आज रामश्रेय राजभर से हम जानेंगे और किस प्रकार से ये बहुरूपिया जो है लोगों को ठगता है। कहने के लिए कहा जाए कि बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कहता है कि हम ऐसे जगह भेजेंगे मठ जहां पर कि भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती हो, आज वही भाजपा में है और तमाम तरह से है, और जो वोट लोग देते हैं उनको क्या कहता है कि ये क्या है, मूर्ख और चूतिया हैं हम लोग तो ऐसे हैं। तो पहले तो रामश्रेय राजभर जी आपका रात 24 न्यूज में स्वागत है। बहुत 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 धन्यवाद रात 24 न्यूज को। रामश्रेय जी, जिस प्रकार से देखा जाए को ओम प्रकाश राजभर आप देख रहे हैं कि कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस तरह से बोलते हैं, कल ऐसा फिर डीएम को लेकर के, और आप तो उनसे काफी करीब रहे हैं, तमाम विषयों पर आज बताइए क्या कहेंगे ओम प्रकाश राजभर के बारे में। ओम प्रकाश राजभर एक मतलब फरोश्त आदमी है, वो अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी को कुछ भी अनाप शनाप बोलेगा और अपना मतलब निकालने के लिए वो एड़ी के तलवे भी चाट लेगा। एड़ी के तलवे भी चाट, हाँ, किसी भी बड़े नेता का एड़ी के तलवे भी चाट लेगा, उसका वो स्वभाव है। जैसे कुत्तों का स्वभाव होता है ना, उसी तरह उसका स्वभाव है, कितना ही दुर्दराएंगे वो कुत्ता अपने आदत से बाज नहीं आएगा। आप इतना बड़ा कुत्ता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं आपको डर नहीं लग रहा ओम प्रकाश राजभर से? कैबिनेट मंत्री हो चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री हो गया है, मुझे देखेगा तो गाड़ी 180 के स्पीड में देख के भागेगा। 180 के स्पीड में? उससे मैं डरता नहीं हूँ, वो मुझसे डरता है। वो आपसे डरते हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि मैं जमीनी कर करता रहा हूँ, उसकी औकात नहीं है कि मेरे से बात कर ले, उसकी औकात नहीं कि वो मुझसे बात कर ले, वो मेरे को देख करके गाड़ी 180 की स्पीड में लेके भागेगा कि कहीं रामाश्रय जी रोक करके मेरे ऊपर पत्थरबाजी न कर दें। चैलेंज करता हूँ, ओम प्रकाश राजभर के अंदर हिम्मत है आवे हमारे कार्यालय के सामने गाड़ी खड़ा करके तो देखे। आखिर में इस तरह से आप ओम प्रकाश राजभर के बारे में आप क्यों बोल रहे हैं, क्या रीजन आपको हो गई उनसे, क्या एलर्जी है आप? रीजन ये है कि 2003-04 में जब मेरे यहाँ पार्टी में ज्वाइन कराने के लिए आया था तो बहुत आग्रह किया, कहा कि आइए हमारे पार्टी को चलाया जाए, चलाइए, हम आपको बहुत आगे ले जाएंगे, आपको दिलदार नगर से विधानसभा चुनाव जिता देंगे। उस समय दिलदार नगर विधानसभा हुआ करता था, मैं उसके पार्टी के लिए तन मन धन से लग गया
और मेरी दुकान माल से भरी हुई रहती थी, 12-13 लाख का माल रहा करता था, लेकिन उसकी पार्टी के आगे बढ़ाने में हमारा पूरा दुकान टूट गया और समझ लीजिए कि कितना हमारा नुकसान हुआ होगा। इसलिए मुझे जलन है और वो समाज को ब्लैकमेल करता है, ऑटो को बेचता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक अपना उतर जाता है। ये जो आप ऑटो की बेचने वाली बात कर रहे हैं, कैसे बेचता है, क्या चीज है, अपना स्वार्थ कैसे वो सिद्ध करते हैं? 2004 में जब लोकसभा का चुनाव यहाँ आया था, हो रहा था, तो हमारा प्रत्याशी अजय सिंह थे, जिनको मैंने पैरवी करके उनको चुनाव लड़ाया था टिकट लेकर के। उसी समय ये जो है बीजेपी से समर्थन देकर पैसा लेकर गाजीपुर सैदपुर सीट से समर्थन लेकर भूमिगत हो गया। हम कार्यकर्ता समाज के अंदर फील्ड में बीजेपी वालों से झगड़ा कर रहे थे कि हमारा प्रत्याशी समर्थन नहीं दिया है, आप लोग हमारा झंडा क्यों लगा करके घूम रहे हैं, और ये गायब हो गया। हम लोगों को मुकाबला करना पड़ा समाज के अंदर, तभी से मैं जान गया कि ये जो है मतलबी आदमी है और पैसा लेकर के वोटों को बेचता है। आने तो ये बात करता तो मोबाइल चालू रहती, 1.5 महीने के बाद इसकी मोबाइल चालू हुई थी। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी से टिकट लेकर के, अभी जब सपा में थे ओम प्रकाश राजभर, तो योगी आदित्यनाथ जी को ऐसे बोलते थे कि हम वैसे जगह पर भेजेंगे जहां पर भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, और कहते थे चल सन्यासी मठ पर घंटी बजाने के लिए, और आज फिर वहीं वापस बीजेपी में आ गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये ओम प्रकाश राजभर तो मंत्री बनने का सपना 1 साल से पाले हुआ था, और कभी अमित शाह जी के यहाँ, कभी योगी जी के यहाँ अनुनय विनय करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन धन्य हो बीजेपी के लोग कि ऐसे बेवकूफ और अशिक्षित व्यक्ति को मंत्री पद से नवाज दिए हैं। बीजेपी की मेहरबानी है, और इसका खुद का गलत स्वभाव है कि अपने मतलब के आगे किसी को भी ये मान सम्मान नहीं देता है। आप इतना बड़ा बात कह रहे हैं कि बेकूफ और अशिक्षित, क्या ओम प्रकाश राजभर अंगूठा छाप है, पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे होते तो उनके अंदर संस्कार होता है, कैसे किस तरह से बात किया जाता है, जो उनको सम्मान देता है, जो उनको ऊंची पूजा देता है, उनको ही ये गिराने का काम करते हैं। सपा में गए तो अखिलेश यादव जी को गिराने का काम किए, बीजेपी में जाते हैं योगी जी को गिराने का काम करते हैं। यानी जिसके यहाँ जाएंगे, जिसके थाली में खाना खाएंगे, उसी के थाली में छेद करेंगे, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी हद से गुजर जाएंगे, इसी हद तक ओम प्रकाश राजभर गुजर जाएंगे। अब आप जिस प्रकार से कहे अशिक्षित हैं, और कल उन्होंने मऊ में एक भाषण दिया था जिसमें कहा था कि अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है, थाने में चले जाओ, DMSP तक की औकात नहीं है, DGP तक की औकात नहीं है कि वो हमें फोन कर देगा, क्यों ऐसा वो धमकी दे रहे हैं, क्या क्या कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर जी का ये बयान मैंने भी सुना हूँ, वो बोल रहे हैं कि पियर का गमछा ले लो और किसी थाने पर चले जाओ, अगर तुम्हारा वहाँ कोई नहीं सुनता है तो इस गमछे में तेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा, ओम प्रकाश राजभर का चेहरा दिखाई देगा और तुरंत कार्रवाई होगी। मैं ओम प्रकाश राजभर से पूछता हूँ कि तुम्हारा 2017 और 18 में गाजीपुर जिले के जिलाधिकारी से अनबन था, उस समय तुम्हारा पियर का गमछा कहाँ चला गया था, तुम्हारी बात की सुनवाई क्यों नहीं हुई? तो किसी कार्यकर्ता को भगाकर तुम प्रशासन से लड़ाई लेना चाहते हो, ये कहाँ की तुम्हारी नीति है? पंगा लेना चाहता है और प्रशासन से नहीं, ये योगी जी के ही प्रशासन से पंगा लेना चाह रहा है। यानी इसका यही मतलब हुआ कि जिसके थाली में खाएंगे उसी की थाली में छेद करेंगे। भैया, रामाश्रय जी ने बहुत बड़ी बात कहा कि ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा आदमी है जिस थाली में खाता है उसी छाली को छेद करता है। तो सोचिए, और मुझे खुद ही ओम प्रकाश राजभर के इस बचकाने बयान से मुझे खुद ही शर्म लग रहा है कि आखिर में देश की जनता ऐसे भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों को चुनती है क्यों? क्या ओम प्रकाश राजभर इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है कि DM से उसकी क्या क्वालिफिकेशन है? एक जनप्रतिनिधि जो जनता द्वारा चुना गया नेता को ही जनप्रतिनिधि बनता है, और आज जिस प्रकार से जो लोगों ने उसको वोट दे करके आज सदन में बैठाया, उनके साथ किस प्रकार से कह रहा है कि ये सब तो बेवकूफ और चूतिया आदमी है। और क्या कभी पुलिस SI या IS IPS की परीक्षा में बैठ कर के तो ओम प्रकाश राजभर देखते समझ में औकात आ जाएगी
कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो रामाश्रय जी जिस प्रकार से उन्होंने कहा तमाम लोगों को, और चुनाव का समय 2024 सर पर है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जैसे उनका स्वभाव है उसी तरह से बीजेपी भी अपना स्वभाव बना लिया है, बीजेपी भी उन्हीं के भाषा में उनको अपनाई हुई है। जबकि यहाँ पे माननीय योगी जी का अपमान हो रहा है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी का अपमान यहाँ पर हो रहा है? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये उनके कैबिनेट में शामिल हो और उनको जो है मंत्री पद मिले, लेकिन पता नहीं क्यों बीजेपी के हाई कमानों में क्या बात है कि उनको ये पद दे करके और शीर्ष पर बैठा दिया है और बीजेपी में भी भीतरघात हो रहा है इनके वजह से। अच्छा, इनके वजह से। कहीं ना कहीं देखिए आखिर में अंदर की बात रामाश्रय राजभर जी ने बता ही दिया कि जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर है और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके बारे में अनाप शनाप कहते हुए कहा, आज उसको फिर कैबिनेट में बीजेपी के शीर्ष नेताओं की वजह से आना पड़ा। कितने शर्म की बात है कि योगी आदित्यनाथ जी को भीख मांगने की ट्रेनिंग देने वाला आदमी आज फिर वहीं जाकर के गद्दी पर बैठ गया है और ऐसे ही फिर उसी अंदाज में अपने को कहता है कि गब्बर सिंह, मैं गब्बर सिंह विलेन नहीं हीरो हूं। शोले फिल्म आपने देखा है, क्या वो हीरो है कि विलेन है? हीरो नहीं है, वो विलेन है, खलनायक है, खलनायक है, समाज का खलनायक है। क्योंकि राजभर समाज के वोटों का ब्लैकमेल करने वाले और सुहेलदेव जी के पगड़ी को गिरवी रखने वाले अपना तो विकास कर सकते हैं, लेकिन इस समाज का कभी विकास नहीं कर सकते। ये मेरा चैलेंज है, समाज का कभी विकास नहीं कर सकते हैं। हाँ, अपना झोली भर सकते हैं, अपने लड़के का झोली भर सकते हैं और अपने लिए करोड़ों का जो है ये अपना इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन समाज का कभी भला नहीं कर सकते हैं। मैं राजभर समाज सहित सभी पिछड़े समाज के लोगों से आग्रह करूँगा कि ऐसे वोट बेचवा नेता के बहकावे में न आए और सोच समझ कर अपना किसी को प्रतिनिधित्व चुने। अच्छा, सोच समझ कर किसी ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने। उसी के एवज में आपने भी ये मानव संघर्ष पार्टी का बनाया और इसको ऐलान कर दिया, अब क्या आप भी पार्टी बना करके मैदान में चुनाव लड़ेंगे? क्या है इसका उद्देश्य बताइए? हमारा पार्टी का मुख्य उद्देश्य है और मुख्य स्लोगन है कि जाति पाति से नाता तोड़ो और मानवता से नाता जोड़ो, क्योंकि मानव एक जाति है और मानवता एक धर्म है, यही लोकतंत्र है। हमारी मानव संघर्ष पार्टी किसी एक जाति बिरादरी के लिए आरक्षण की मांग नहीं करती है, बल्कि सर्व समाज के लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ती है। जैसे हमारे पार्टी का मुख्य उद्देश्य है मतदाता पेंशन योजना लागू करके सभी मतदाताओं को जो गरीबी रेखा से नीचे और मध्यम वर्गीय परिवार से हैं उनको मतदाता पेंशन योजना लागू करके कम से कम 15,000 रुपये प्रति महीने मतदाता पेंशन देने का काम किया जाए। आप उन मतदाताओं के लिए उनके बारे में सोच रहे हैं कि जो वोट करते हैं, लेकिन वही आपके नेता ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि ये सब तो बेवकूफ और चूतिया हैं। भारतीय संविधान में मतदाताओं का बड़ा महत्व दिया गया है और भारत के नागरिक होने के नाते ये मतदाता भारतीय संविधान के धरोहर हैं। ऐसे अशिक्षित व्यक्ति को कौन नेता चुन देता है, मैं भी बड़ा सोच कर रह जाता हूँ कि ऐसे अशिक्षित नेता को अपना प्रतिनिधि क्यों चुन लेते हैं, लेकिन क्या करेंगे, राजभरों की भी मजबूरी है। ये अंधों में काना राजा हो गया क्योंकि उस समय कोई राजभर के लिए कोई पार्टी का विकल्प नहीं था, हम लोग भी इसके लिए लग गए थे और जी जान लगा करके तन मन धन लगा कर इसको आगे बढ़ाने का काम किए, लेकिन जैसे जैसे इसका मतलब निकलता गया 400-500 कार्यकर्ता इससे दूर होते चले गए और सभी को ये दूर कर दिया और अपने मतलब के आगे किसी को तवज्जो नहीं दिया, किसी को सम्मान नहीं दिया, किसी का भी विकास नहीं किया। उसमें से मैं एक खुद एग्जाम्पल हूँ। और उल्टे 28 मार्च 2017 को ये लखनऊ बुलाया था मुझे, अब बुलाकर मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, कहा कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, हम पहचान नहीं रहे हैं। इस बात पे मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मैंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर, मैं तुमको पहचान दिलाने के लिए मैं खुद पार्टी बनाऊंगा। आज मानव संघर्ष पार्टी का मैंने स्थापना कर दिया हूँ और उसको आने वाले 2027 के चुनाव में हम जवाब दे देंगे।
चूंकि अभी संगठन का मेरा काम हो रहा है, मैं इस लोकसभा में तो नहीं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन 2027 का मैं भावी मुख्यमंत्री भी हूँ उत्तर प्रदेश का जी। चलिए, रामेश्वर राजभर ने जी ने बहुत बड़ी बात कहा कि जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर जो है अब हम उसको कड़ी टक्कर चुनौती देंगे और तमाम विषयों पर उन्होंने अपनी बातों को रखते हुए अपने पार्टी के उद्देश्य के बारे में बताया कि हम सबसे पहले जो है जो मतदाता जो मत का प्रयोग करेंगे उनके लिए 15,000 रुपये महीने पेंशन की बात इन्होंने किया, तो क्यों ना ऐसे लोगों को चुना जाए। तमाम विषय है, तमाम भैया चुनाव है और चुनाव के समय तमाम तरह की आपको खबरों से हम रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ गाजीपुर से राजन उजागर रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।